हर और पूरे छावला गांव में हड़कंप मच चुका था। इस निर्भया के गांव में ही रहने वाले तीन लड़के जो चंद रोज पहले ही जेल से छूटे थे, निर्भया को किडनैप कर चुके थे, लेकिन उनके इरादे महज किडनैपिंग के नहीं थे। 9 फरवरी 2012 तीनों बदमाश निर्भया को गाड़ी में डालकर दिल्ली की सीमा पार कर गए। वो चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन रवि, राहुल और विनोद का दिल नहीं पसीजा। वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस बच्ची की चीखों पुकार का इन हैवानों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर बाद ये हैवान उस बच्ची को लेकर दिल्ली की सीमा पार कर चुके थे और ये हरियाणा के रेवाड़ी में दाखिल हो चुके थे। उसे डराने, धमकाने और दहशत के मकसद से तीनों ने चलती कार में ही उसे पीटना शुरू कर दिया। वो तब तक उसे पीटते रहे जब तक कि वो निढाल नहीं हो गई, और इसके कुछ देर बाद शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जो कई घंटों तक चला। तीनों चलती कार में ही बारी बारी से उसकी इज्जत तार तार करने लगे। सुनसान रास्तों से होते हुए दिल्ली से गुड़गांव और फिर मानेसर से रेवाड़ी में दाखिल हो चुके थे। किसी को मालूम नहीं था कि सुनसान रास्तों पर दौड़ रही कार में दरिंदगी और खौफ की दास्तान लिखी जा रही है। 9 फरवरी 2012 रात 10 बजे निर्भया को अगवा करने की खबर छावला गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। निर्भया के पिता उस वक्त दिल्ली से बाहर थे, लेकिन उसकी मां को जैसे ही बेटी के किडनैप होने की खबर मिली वो होशो हवास खो बैठी। बदहवास सी वो इधर उधर दौड़ने लगी। मतलब तुम्हारी लड़की को ना कोई उठा के ले गया गाड़ी में, तो मैंने कहा हमारे कोई गाड़ी कर, कोई रिश्तेदार है? मैंने, नहीं तो हमारे कहाँ कोई गाड़ी वाले रिश्तेदार नहीं है। इतने में फिर मैं बाहर खड़ी हो गई, तो फिर इतने से मैं दोबारा फोन आया चौक में से किसी का, फिर तो फिर मैं भागी भागी वहाँ गई। मैंने सोचा क्या पता वहाँ पर पट गई होगी कहीं पर, तो फिर पड़ोसी भी चले गए मेरे पीछे पीछे। फिर मैं भागी भागी वहाँ बिना चप्पल के, मतलब जैसे रात को मैक्सी में थी तो वैसे ही भाग गई। वहाँ जाके देखा, मैंने कहा मेरी लड़की, कहाँ मेरी लड़की। फिर सब मतलब सारे लोग इकट्ठा हो गए, फिर मैं तो रोई, फिर मैं बेहोश हो गई, फिर मेरे को ये घर ले आए थे। पड़ोसियों ने पुलिस को तुरंत फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और निर्भया की तीनों सहेलियों से पूछताछ कर पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। गांव के लोग थाने के सामने जमा होने लगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। 9 फरवरी 2012 रात 11 बजे निर्भया को किडनैप हुए 2.5 घंटे बीत चुके थे, और इस दौरान रवि, राहुल और विनोद गाड़ी में ही उसे बुरी तरह लहूलुहान कर चुके थे। लेकिन इतने पर भी उनका दिल नहीं भरा, वो अब भी उसे बेरहमी से पीटते जा रहे थे। उन्हें तलाश थी ऐसी सुनसान जगह की जहां उस बेगुनाह की चीख सुनने वाला कोई ना हो, क्योंकि राहुल पेशे से एक ड्राइवर था, लिहाजा वो रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ था। अंधेरे को चीरती हुई कार में वो तीनों निर्भया को लेकर रेवाड़ी तक पहुंच चुके थे। रेवाड़ी से करीब 12-13 किलोमीटर दूर झज्जर रोड पर पड़ता है करावरा गांव। ये तीनों हैवान उस बच्ची को लेके आने के बाद उसे करावरा गांव में ही एक फाटक के पास डंप करते हैं। करावरा गांव का ये फाटक भी चश्मदीद है उस दरिंदगी का। जी हां, रेवाड़ी से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है करावरा गांव, और यहीं पर उन तीनों आरोपियों ने, उन तीनों हैवानों ने उस बच्ची की बॉडी को लाकर डंप किया था। इसी कीकर के पेड़ के नीचे वो तीनों रात के सन्नाटे में जुर्म की वो काली दास्तान लिख रहे थे, जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों ने शराब पी और एक बार फिर गैंगरेप किया, क्योंकि रवि, राहुल और विनोद निर्भया के ही मोहल्ले में रहते थे, लिहाजा तीनों को अपनी शिनाख्त का डर हुआ। और उसके बाद इन तीनों ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया, और ये फैसला था निर्भया को एक दर्दनाक मौत देना। बस यहीं पर तीनों ने एक खौफनाक फैसला किया, निर्भया को एक दर्दनाक मौत देने का फैसला, जिसने उस मासूम के सारे ख्वाब, सारे सपने चकनाचूर कर दिए। समय के लिए जफर अब्बास।
बेइंतहा दर्द देने के बाद भी इन तीनों का मन नहीं भरा। वो इस मासूम को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी ऐसी यातनाएं इस निर्भया को सहनी पड़ी जिन्हें हम शायद कभी लफ्जों में बयां भी ना कर पाए। कितने वहशी थे ये तीनों, कितने दरिंदे थे ये तीनों। 9 फरवरी 2012 रात 2 बजे निर्भया इस बात से बेखबर थी कि हैवानों ने उसे एक दर्दनाक मौत देने का खौफनाक फैसला कर लिया है, लेकिन तीनों मौत से पहले उसे हर वो यातना देना चाहते थे जिसे सुनकर भी आप थर्रा उठेंगे। तीनों उसे सिगरेट के बट से जलाने लगे। शायद उसकी चीखों पुकार से तीनों को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने पास रखी बियर की बोतलों से निर्भया के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। 19 साल की इस निर्भया को शायद अभी और सहना था। अब तीनों ने उसे मारने की ठान ली थी। रवि ने पहले निर्भया के सिर पर मिट्टी की मटकी फोड़ी। दर्द से बिलक उठी निर्भया। निर्भया की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन अफसोस रात के सन्नाटे में इस सुनसान वीराने में इन चीखों को सुनने वाला कोई न था। तीनों जानते थे कि उसकी चीखें उन्हें मुसीबत में डाल सकती हैं। अब राहुल और विनोद कार से जैक और पाना निकाल लाए ताकि निर्भया की चीखें जल्द बंद कर सकें। अब शुरू हुआ बर्बरता और हैवानियत का वो सिलसिला जो कई घंटों चला। जैक और पाना देख अब निर्भया समझ चुकी थी कि ये तीनों उसे एक बेरहम मौत देने की ठान चुके हैं। वो उनसे कपकपाते हुए दया की भीख मांग रही थी। उसे नहीं मालूम था कि आखिर उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। तीनों इस निढाल पड़ी मासूम लड़की पर जैक और पाने से बेरहमी से वार करने लगे। लोहे के इन औजारों की चोट से 19 साल की मासूम का सिर लहूलुहान हो गया। छावला से लेकर गुड़गांव तक और गुड़गांव से हरियाणा के रिवाड़ी तक निर्भया ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन उस बेकस लड़की को शायद ये मालूम नहीं था कि एक दर्दनाक मौत रिवाड़ी के करावरा गांव के इन खेतों में उसका इंतजार कर रही है। जालिमों ने उसकी आंख में भी पेचकस से कई वार किए। तीनों तब तक उस पर वार करते रहे जब तक उन्हें निर्भया की मौत का यकीन नहीं हुआ। अब निर्भया शांत हो चुकी थी, लेकिन ये तीनों शांत नहीं हुए। क्या सचमुच मर चुकी है निर्भया? उसकी मौत का यकीन करने के लिए तीनों ने कार के दहकते हुए साइलेंसर पर पाने को गर्म किया और उसके शरीर पर छुआया। निर्भया के शरीर में जब कोई हरकत नहीं हुई तो इन्हें यकीन हुआ कि अब निर्भया मौत के आगोश में समा चुकी है। लेकिन जुल्म का सिलसिला यही नहीं थमा। गाड़ी से एसिड निकालकर उन्होंने उसके चेहरे पर डाल दिया ताकि शव की शिनाख्त न हो सके। 13 फरवरी 2012 दिल दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के 3 दिन बाद हैवानों की निशानदेही पर ही पुलिस ने रिवाड़ी के करावरा गांव से निर्भया का शव बरामद किया। इन्हीं खेतों में उस बच्ची की बॉडी को डंप किया था। दिल्ली के छावला से 3 बदमाशों ने उसे किडनैप किया था और ये करावला गांव पड़ता है, रेवाड़ी से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है, और यहीं पर इन्हीं खेतों में इस बच्ची की बॉडी को डंप किया गया था। भीड़ लग गई होगी उस दिन? हाँ बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। आसपास के गांव भी आ गए थे, गांव के लोग भी आ गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी इस तरफ। शव की हालत देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मारने से पहले जालिमों ने उस पर कैसे कैसे जुल्म ढाए होंगे। शरीर पर सिगरेट के दागने के निशान थे, जगह जगह दांतों के काटने के निशान भी थे, एसिड से चेहरा काला पड़ चुका था। खामोशी, आंसू और गम, सन्नाटा और बस सन्नाटा। वो हमेशा जिंदा रहेगी अपनों की यादों में, वो यादें जो हमेशा बयां करती रहेंगी। जुल्म और खौफ की वो दास्तां जिसे सुनकर हैवान भी पनाह मांगे। क्या सही मानों में रंग ला सकेगी इस निर्भया की कुर्बानी? 16 दिसंबर का जो केस हुआ है उसमें ऑल इंडिया के, इंडिया से बाहर के भी लोग जो है कि सपोर्ट हुए हैं। काफ़ी जो है कि कॉलेज सड़कों पर उतर आई, जनता तो आई है, कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट काफ़ी आ गए। लेकिन एक मेरी लड़की के साथ में हादसा हुआ, ये माहौल उस टाइम भी हो सकता था। मैं नहीं जानता है कि ये मीडिया में हाईलाइट क्यों नहीं हुआ। 16 दिसंबर की गैंगरेप की वारदात से देश भर में विरोध में उमड़े जनसैलाब के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने कानून में बदलाव किया और रेप संबंधी सभी अपराधियों को
कड़ी सजा का प्रावधान भी किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में रेप के मामलों का जल्द निपटारा भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटियां खुद को महफूज नहीं समझती, क्योंकि इंसान की खाल में छिपे भेड़िए जब तक समाज में मौजूद हैं, यूं ही खौफ में जीने पर मजबूर रहेंगी बेटियां। समय के लिए जफर अब्बास।